15 मिनट दैनिक योग अभ्यास स्वस्थ व सक्रिय जीवन के लिए। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। योग की जो मैं बात कर रही हूँ, आज मैं आपको बहुत थोड़े से ऐसे एक अभ्यास क्रम बताऊंगी, अगर आप इनको रोज करते हैं तो एक तो क्या पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, इनका प्रभाव सिर से पांव तक सभी अंगों पर है, और करने के बाद एक हफ्ते में ही आप खुद अपने अंदर अंतर महसूस करेंगे कि हाँ, अब हमारे शरीर में एक एनर्जी फील हो रही है, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरी क्लास में जो लोग एक हफ्ता भी पहले जिस दिन आते हैं उस दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद बोलने लगते हैं कि अरे हमारा शरीर इतने फ्लेक्सिबल हो गया, हम ये भी कर पा रहे हैं और हम थकते भी नहीं हैं अब दिन भर काम करके। तो ऐसा ही आप भी करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, मैं आसनों का क्रम आपको बताती हूँ कि कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में से तिर्यक ताड़ासन। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए हाथ को बिल्कुल कान के सीध में ऊपर ले जाएं और बेंड योर राइट साइड। सांस छोड़ते हुए साइड में बेंड हो जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे सिर्फ आधा मिनट के लिए। अगर आपकी क्षमता शुरू में कम है तो आप 10 सेकेंड ही रुकिए और सांस भरते हुए हाथ को सीधे ऊपर खींचें और ब्रीद आउट करते हुए दूसरी साइड। आप जितनी देर उधर रुके हैं उतनी देर इधर रुकिए, बस जब रुकते हैं तो लंबी गहरी सांस, और जब सीधे होएंगे सांस भरते हुए सीधे, ब्रीद आउट, हैंड्स कम डाउन। तो ये था तिर्यक ताड़ासन। ये आपके लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन सबको हेल्दी रखेगा, बैक मसल्स को स्ट्रांग रखेगा, पूरे शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाएगा। अब मैं दूसरा अभ्यास बताती हूँ, वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए दोनों पैरों में पर्याप्त दूरी, सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को जोड़ लें, सिर के कान के पीछे ले जाते हुए पीछे की ओर बैंड हो जाए। अब लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, यहाँ आपकी क्षमता है, आप 10 सेकेंड रुकिए, 15 सेकेंड रुकिए और ब्रीद आउट करते हुए सीधे अब इसी तरफ दूसरी तरफ मुड़ जाए। ब्रीद आउट, यहाँ भी आप लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, लगातार लंबी गहरी सांस के संग जितनी देर आपने उधर रुका है उतनी काउंटिंग में इधर रुके, सांस भरते हुए सीधे। मैंने आपको खड़े होकर सिर्फ दो अभ्यास बताए हैं, अभ्यास तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं ऐसे अभ्यास बता रही हूँ जो पूरी तरह से इफेक्टिव हो, आपके ऊपर तुरंत असर भी डालें। और अब दूसरा तीसरा अभ्यास मैं बता रही हूँ, बैठ के मंडूकासन। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठना पड़ेगा। अगर आपके घुटने खराब हैं, आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप आलथी पालथी में ही कर लीजिएगा, करिएगा जरूर, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे डाइजेशन सिस्टम पे तो है ही, पेल्विक फ्लोर के मसल्स पर भी है। तो आपको क्या करना है, मुट्ठी बनानी है, नाभि के पास लगा देनी है और ब्रीद आउट करने के बाद आप धीरे से फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाएंगे। ब्रीद आउट, अगर आपको कमर में दर्द है तो दोनों घुटनों में थोड़ी दूरी कर लें और उतना ही झुके जितने में आपको कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है, और अगर आप कर पाते हैं तो प्रॉपर वे में करिए, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, श्वास प्रश्वास के साथ आप आधा मिनट रुकिए और सांस भरते हुए सीधे। अभी मैं आपको सब चीज कम समय के लिए बता रही हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समय सीमा आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 15 मिनट तो करना है। अभी तो आपने जो कुछ मैं बता रही हूँ उतना तो आपका 2 मिनट में हो जाएगा। तो अब इसके बाद मंडूकासन के बाद कोणासन, क्योंकि बहुत से लोगों के घुटने काम नहीं करते तो वो कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी, कोणासन के लिए पहले पाँव फैलाइए, हथेली को पीछे टिकाइए, सांस भरते हुए ऊपर उठ गए, लंबी गहरी सांस लिए, छोड़े, यहाँ आप 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड जितना रुक सकते हैं रुकिए और फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाइए। ये अभ्यास सभी कर सकते हैं, किसी को मना भी नहीं है। इसके बाद में मैं बोलूँगी अर्धमत्स्येन्द्रासन। अर्धमत्स्येन्द्रासन, अगर किसी को घुटना मोड़ने में दिक्कत है तो मैं भी बताऊँगी, वक्रासन कर सकता है। अर्धमत्स्येन्द्रासन के लिए देखिए, एक पाँव मैंने थाइस के नीचे दबा लिया, दूसरा बगल में खड़ा कर लिया, चूँकि अभी मेरा लेफ्ट पाँव खड़ा है तो राइट हैंड पेट के बगल से जाएगा और उसी पाँव को पकड़ेगा, लेफ्ट को, और अब मैं पीछे मुड़ के
गर्दन पीछे मोड़ ली, हाथ भी मेरा लेफ्ट वाला पीछे ही है। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जब आप इस पोज में इस तरीके से करते हैं तो ये आपके पैनक्रियास के हेड और टेल को दबाता है। एक बार इस पांव से, एक बार इस पांव से। और अगर किसी से ऐसे नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, वो इसका सरल रूप कर ले, इससे भी आपको वही लाभ मिलेगा। यह है वक्रासन। आपका इसमें हेड दब रहा है, जब आप इधर से करेंगे तो टेल दबेगा। खाली पैनक्रियाज ही नहीं दबेगी, लीवर भी दबता है। इसके बाद पश्चिमोत्तानासन। अगर किसी को कमर में दर्द है तो इस अभ्यास को मत करना, छोड़ देना। सांस भरते हुए, ब्रीद आउट करते हुए नीचे गए और आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। इसमें अपनी जितनी आपकी क्षमता है, अगर आपको दर्द है तो बिल्कुल मत करिएगा इस पोज को। और फिर सांस भरते हुए धीरे से सीधे हो गए, ब्रीद आउट, हैंड्स कम डाउन। आप 15 सेकंड करिए, 10 सेकंड करिए। मैंने बोला किसी भी पोज में शुरुआत में जबरदस्ती नहीं करनी है, आप धीरे धीरे जाइए। हो सकता है आप यहाँ तक जाएं, हो सकता है आप यहीं तक जाएं, कोई जरूरी नहीं कि आप सीधे यहाँ तक चले जाएंगे। हर किसी के लिए ऐसा है नहीं संभव, चाहे दुबला पतला हो चाहे मोटा हो। तो इसलिए मैंने बोला इसके बाद ये वाला आसन तो जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छा आसन है ये आपके। लेकिन हार्निया के पेशेंट इसको नहीं करेंगे। ये है उष्ट्रासन। लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद, और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे कर लो और ब्रीद आउट करते हुए सीधे। मैंने बोला कोई बहुत देर नहीं लगती है। इसके बाद पेट के बल, भुजंगासन। हथेली को पसलियों के पास रख दे। अगर आपसे इस तरह भी नहीं होता है तो आप हाथ आगे रख के भी उठ सकते हैं, आप कम भी उठ सकते हैं, आप कोहनी लगा के ऐसे भी उठ सकते हैं। ये आप अपना देखने कि आप किस तरह कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। इसमें 1 मिनट जरूर रुकें, ये बहुत लाभ देता है आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, बैक मसल्स के लिए, पैल्विक फ्लोर के मसल्स के लिए। पीरियड संबंधी सभी समस्याएं इससे दूर होती हैं, कमर का दर्द भी दूर होता है। भुजंगासन के बाद सिर्फ मैं धनुरासन बोल रही हूँ। एंकल ऐसे पकड़ेंगे, अगर अभी आपसे नहीं पकड़ा जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। पर जो पकड़ सकते हैं तो सीधे ऐसे करें, सिंपल, कोई ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप सिर्फ इतना कर लें और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें इस पोज में। शुरुआत में केवल आप 10 मिनट 10 सेकंड भी रुकेंगे ना, धीरे धीरे अपने आप समय आपका बढ़ जाएगा। मैंने केवल शुरुआत में करने के लिए बोला, उसके बाद आप समय बढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि 1 मिनट तो करना है धनुरासन भी, क्योंकि हार्ट जो लंग्स है ना, तो लंग्स की जितनी भी प्रॉब्लम है इससे बहुत अच्छी तरह दूर होती है। डायबिटीज़, डाइजेशन, पेट के फैट के लिए भी बहुत अच्छा, वो उसको भी कम करता है। इसके बाद है सेतु बंधासन। सांस भरते हुए उठ गए, अब लंबी गहरी सांस। आधा मिनट फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे आए। ये आपके हार्ट के लिए, कमर के लिए, ब्रेन के लिए, सबके लिए अच्छा है। इसके बाद जो आसन बता रही हूँ इसको तो आप बहुत मन से करना चाहेंगे,
पूरी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है और हार्ट और लंग्स के लिए भी अच्छा है। देखिए पाँव के ऊपर मैंने पाँव डाल लिया है और ये ब्रीद आउट, पाँव गया लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड मुड़ गई है, सांस छोड़ते हुए ये पोज बनाया, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए मैं दूसरी साइड चली गई, सांस भरते हुए सीधे। पहले दो दो बार, तीन तीन बार इस पांव से करेंगे, तीन बार जब हम पूरा कर लेंगे तो फिर पांव बदल देंगे। ये ब्रीद आउट, ये ब्रीद इन। अब पांव बदल के भी इसको तीन बार, आप तीन से चार बार आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला बैक के लिए तो है ही, कमर दर्द के लिए रामबाण है, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। हर तरह का पीठ का दर्द इससे दूर होता है। उसके बाद तीन या चार बार करने के बाद सिर्फ एक अभ्यास भी और बोलूंगी जो सिर से पांव तक सबके लिए, ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है और इसे भी सब कर सकते हैं। अगर बीपी बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो उस समय आप स्किप कर सकते हैं, वरना ये किया जा सकता है। क्या करना है आपको, ब्रीद, देखिए जिनको कमर दर्द है तो पाँव मोड़ के घुटना उठाएं और बाकी लोग इस तरीके से उठाएं, उठा के बस इतना उठा लें, ज़्यादा नहीं उठाना, इतना ही उठाना उन्हें। इससे न तो कमर पे प्रेशर आएगा ना गर्दन पे आएगा। और लंबी गहरी सांस लें इस पोज में। देखिए रुकना तो दो मिनट है, मगर शुरुआत में आप हो सकता है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड ही रुकिए और धीरे धीरे समय बढ़ाइए और फिर ब्रीद आउट करते हुए धीरे से नीचे आ जाइए और शरीर को ढीला छोड़ दें। आधे मिनट के लिए आप जहाँ आसन कर रहे थे वहीं पर अपने आप को ढीला छोड़ दें और बस लंबी गहरी सांस भरे, सांस छोड़े। इससे आपका शरीर फिर से बिल्कुल एकदम हल्का रिलैक्स हो जाएगा, आसनों की थकान दूर हो जाएगी, फिर करवट बदल के अपनी जगह पर उठ के बैठ जाएंगे। और अब मैं आपसे बोलूं, क्योंकि अभी आपने मुश्किल से 8-9 मिनट का कुल अभ्यास किया, अगर आप पूरा एक एक मिनट आधा आधा मिनट देंगे तो, अभी तो नहीं किया है, अभी तो ये आपका 5 मिनट से भी कम समय में हुआ है, तो आप 2 मिनट अनुलोम विलोम, 2 मिनट कपालभाति करेंगे, क्योंकि प्राणायाम प्राण के संचार को बढ़ाता है और प्राण की कमी की वजह से ही शरीर में रोग आते हैं। तो मैं सबसे पहले अनुलोम विलोम की बात कर रही हूँ। राइट हैंड से नासिका मुद्रा, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, और हमारे घुटने पर मेरी हथेली है, ये हमने राइट नोज को बंद कर लिया। पहले लेफ्ट से सांस लेके राइट से निकालेंगे, राइट से लेके लेफ्ट से निकालेंगे, इस क्रम को 2 मिनट करना। मैं अभी 3-4 बार करके बता रही हूँ। ये था, इसमें श्वास की थोड़ी सी आवाज़ आती है, जबकि नाड़ी शुद्धि में नहीं आती है। आप चाहें तो नाड़ी शुद्धि कीजिए, चाहे अनुलोम विलोम। अब कपालभाति की बात कर रही हूँ, इसमें आप अपनी यही मुद्रा बनाएंगे और आंखें बंद करके एक्जेलेशन, बस 2 मिनट से ये करना है। और उसके बाद सिर्फ ईश्वर को एक बार हाथ जोड़ेंगे, नमन करेंगे, ओम चैंटिंग करके क्लास बंद कर देंगे।
आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। आप करके देखिए, आपको बिल्कुल वही लाभ मिलेगा जो मैं क्लास में औरों से सुनती हूँ। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कीजिए, शेयर खूब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और आपको कुछ और पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।